आज मैं रिपेयर करने वाला हूँ इन सभी खराब डीसी मोटर्स को। ये वीडियो 100% डिटेल्स में होने वाली है, थोड़ा सा लंबा तो हो जाएगा बट ये वीडियो काफी धमाकेदार होने वाली है। तो सबसे पहले मैं इस डीसी मोटर को रिपेयर करने वाला हूँ, तो चलिए खोल लेते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इसे ओपन करना बिल्कुल ही सिंपल है। इसके बैक साइड में चार जगह इस मेटल को दबाया गया है जिसकी वजह से नीचे वाला प्लेट इसके अंदर फंसा हुआ है। तो सबसे पहले मैं उस दबे हुए भाग को सीधा कर लूंगा जिसकी वजह से इसका नीचे वाला प्लेट आसानी से ऊपर निकल जाए। वैसे दोस्तों आप कमेंट करके बताओ कि आपने ऐसा चीज कभी ओपन किया है, अगर किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दबे हुए भाग को सीधा करने के बाद जहाँ से इस डीसी मोटर में वायर निकला है उस जगह पर आपको एक टेस्टर या फिर पेचकस लगाकर ऊपर की तरफ ताकत लगाना है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा प्लेट आसानी से बाहर निकल जाएगा। इसे सेफली ओपन करने के बाद से आप देख सकते हो कि जो वायर इस शॉपनर यानी कि इस मोटर के शॉपनर में टच होता है वो वाला अलग अलग हो चुका है एंड दोस्तों उनके बीच में थोड़ा थोड़ा कार्बन लग चुका है। तो मैं उसे बढ़िया तरीके से साफ कर लूंगा। अब बात कर लेते हैं इसके मोटर्स को। इसके मोटर के शॉपनर को घुमाने पर अंदर लग रहा है ऐसा कि जैसे काफी सारा कचरा जमा हुआ है या फिर दोस्तों इसके प्लेट पर जंक लग गया है जिसकी वजह से ये मोटर स्मूथ रनिंग नहीं कर रहा है। तो मैं इसे भी बाहर निकाल लेता हूँ। अब आप देख सकते हो इसके अंदर थोड़ा सा कचरा है एंड इसके बेंडिंग वाले मीटर पे काफी सारा जंक पकड़ लिया है। तो सबसे पहले इस मोटर के मैग्नेट वाले पार्ट को अच्छे तरीके से साफ कर लेता हूँ और इसके अंदर का सारा कचरा बाहर निकाल लेता हूँ। मोटर के मैग्नेट वाले पार्ट को बढ़िया तरीके से साफ कर लिया हूँ एंड अब साफ करने वाला हूँ बेंडिंग वाले मेटल को जिसके ऊपर काफी सारा जंक पकड़ लिया है। इसे साफ करना काफी जरूरी है क्योंकि उसके ऊपर लगे हुए जंक की वजह से इसका मैग्नेटिक पावर बढ़ नहीं पा रहा होगा जिसकी वजह से ये मोटर का शॉपनर बढ़िया तरीके से रनिंग नहीं ले पा रहा होगा। इसको साफ करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ रेगमाल का। अच्छे से साफ करने के बाद से आप देख सकते हो ये पहले की तरह बिल्कुल ही चमक रहा है। अब दोस्तों ये 100% रेडी है फिक्स होने के लिए। तो चलिए अब मैं इसे इसके अंदर फिक्स कर लेता हूँ। फिक्स करने के बाद से इसके ऊपर से जो मैंने पुली निकाला था दोबारा से उसे उसी जगह पर लगा लेता हूँ ताकि इसे घूमते वक्त आप इसे आसानी से देख पाओ क्योंकि इस वीडियो में घूमते वक्त इसे देखना आसान नहीं है। ओहो, इसके बैक साइड कवर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोल्डिंग की सहायता से इसके पुराने छोटे वायर को निकालकर उसके जगह पर नया बढ़िया और बड़ा वायर जोड़ लेता हूँ एंड दोस्तों दूसरे साइड पे ठीक इसी काम को कर लेना होगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि मैं इस वजह से इस वीडियो को लाइक नहीं कर रहा हूँ। ये काम आप जरूर करना। यहाँ पर मैं दोनों वायरों को काफी बढ़िया तरीके से सोल्डिंग कर ले रहा हूँ एंड दोस्तों जिस जगह पर पहला वाला वायर निकला हुआ था ठीक उसी जगह पर मैं इसी वायर को भी फिक्स कर ले रहा हूँ। अगर आप इस वायर को बढ़िया तरीके से फिक्स नहीं कर पा रहे हो तो इसे डायरेक्ट फेविक्विक से चिपका लेना जिसकी वजह से वायर निकलेगा नहीं और जाकर ऊपर मोटर के शॉपनर में टच नहीं होगा एंड साथ में ही उस वायर को भी साफ कर लेना जो मोटर के शॉपनर में टच होता है। अब मैं इसके अंदर मोटर फिक्स कर लेता हूँ। इसे फिक्स करने के लिए आपको दोस्तों ये वाला पुली थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा जिसकी वजह से दोस्तों क्या होगा कि अगर आप इस पुली वाले शॉपनर को प्रेस करोगे तो ये थोड़ा सा मेटल वाला भाग अंदर दब जाएगा जिसकी वजह से ये मोटर फिक्स करना काफी आसान हो जाएगा जैसे कि आप अपने फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अगर वायर इसके कटे हुए गड्ढे में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा मोटर को इधर उधर घुमा लेना जिसकी वजह से ये वायर काफी बढ़िया तरीके से गड्ढे में फिक्स हो जाएगा। थोड़ा हल्के हाथों से इसे दबाकर फिक्स करने के बाद से आप यहाँ पर पिलास का यूज कर सकते हो। पिलास से अच्छे तरीके से जैसे ही दबाओगे चारों तरफ ये जहाँ से वापस निकला था ठीक उसी जगह पर जाकर फिक्स हो जाएगा। फाइनली अब ये डीसी मोटर 100% रेडी है रनिंग के लिए। तो चलिए इसे टेस्टिंग करके देखते हैं कि क्या ये रनिंग कर रहा है या फिर नहीं। तो इसे टेस्टिंग करने के लिए इसमें पावर देने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ लिथियम आयरन सेल का। तो चलिए इसमें दोनों वायरों को कनेक्ट करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये रनिंग कर रहा है या फिर नहीं। तो दोनों वायरों को कनेक्ट कर लिया हो और ये बढ़िया तरीके से रनिंग कर रहा है। मैं आपको दोबारा से कनेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ कि ये मोटर रनिंग कर रहा है या फिर नहीं। दोस्तों मैं हाथों से पकड़ कर आपको दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको देखने में आसानी रहेगी कि ये मोटर रनिंग कर रहा है या फिर नहीं। तो दोस्तों आप यकीन कीजिए ये 100% मोटर रिपेयर हो चुका है और ये काफी आसानी से रनिंग कर रहा है। अब मैं इस मोटर को टेबल पर उल्टा करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि ये सच में मोटर रनिंग कर रहा है। अब आप देख सकते हो मैं हाथ से छोड़ दिया हूँ और ये मोटर बढ़िया से डांस कर रहा है। अब मेरे पास बचा ये तीन खराब डीसी मोटर। इसमें से सबसे पहले मैं रिपेयर करने वाला हूँ ये वायर वाला डीसी मोटर। इसे रिपेयर करने से पहले मैं इसे आपको पावर देकर दिखा दे रहा हूँ कि ये मोटर रन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं बैटरी को अच्छे तरीके से कनेक्ट कर दिया हूँ बट दोस्तों ये मोटर बिल्कुल भी रनिंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये मोटर खराब हो चुका है। मेरे को भी नहीं पता है कि इसके अंदर एक्चुअली हुआ क्या है। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ एंड ओपन करने का प्रोसेस आपको अच्छे से पता ही है।